गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। सो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिंग्स। जरा देखते हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिंग्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिंग्स। क्लियर है बेटा? तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिंग्स को डिस्कस करने से सबसे पहली बात, हेलो एरिंग्स जो होते हैं बेटा आर लेस रिएक्टिव, आर लेस रिएक्टिव देन दी हेलो एल्केन्स, देन दी हेलो एल्केन्स। क्लियर आप लोगों को कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं देन दी हेलो एल्केन्स। व्हाई? देखते हैं बेटा, मेरे पास ये कोई एक हेलो एल्केन्स है तो इनके बीच में कार्बन और एक्स के बीच में कैसा बॉन्ड है बेटा, बताओ? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन जब भी मैं हेलो एल्केन्स की बात करता हूं, क्लियर है, एक्स के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से एक्स और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। बोलो बेटा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आप लोगों को पता है क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये होगा कि यहां से डबल बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, मुश्किल हो जाएगा। बोलो, मुश्किल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो इस वजह से ये हमारे पास क्या होता है बेटा, लेस रिएक्टिव होता है। समझ में आई आप लोगों को? क्योंकि यहां पर सर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसमें कार्बन और एक्स के बीच के अंदर, लेकिन यहां पर क्या था बेटा, सिंगल बॉन्ड था। तो इस वजह से हेलो एरिंग्स क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं कि ये मेरे पास हेलो एरीन है और ये मेरे पास हेलो एल्कीन है, तो यहां पर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 होगी, लेकिन इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की वैल्यू यहां पर ज्यादा है, यहां पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की वैल्यू कम है। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। क्लियर है आप लोगों को? तीसरी बात करता हूं बेटा, हेलो एरिंस जो है आर लेस पोलर देन दी हेलो एल्केन्स, देन दी हेलो एल्केन्स। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है दिस कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, है ना, इस कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इस कार्बन की जो यहां पर प्रेजेंट होगा उसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल या जो भी एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेरिजन टू sp3 वाले की वजह से। तो ये उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्स की तरफ माइग्रेट कम होने देगा, नहीं होने देगा। समझ में आया आप लोगों को? और जब एक्स इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएंगे तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो क्या ये कंपाउंड पोलर कहलाएगा? पोलर तो होते हैं एक्चुअली, लेकिन दे आर लेस पोलर एज कंपैरिजन टू हेलो एल्केन्स। क्लियर है आप लोगों को? तो ये सब बातें हम लोगों ने की, और ये सब रीजन भी है कि हेलो एल्केन्स होते हैं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलो एरिंस से, या हेलो एरिंस कम रिएक्टिव होती है हेलो एल्केन्स से। एक रीजन और भी हो सकता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक हेलो एरिन है, तो जैसे ही एक्स निकलता है यहां से बेटा, यहां पर क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है। एंड ये अगर पॉजिटिव चार्ज बन गया तो आप लोगों को समझ में आ गया कि दिस इज द टाइप ऑफ विनाइल कार्बोकैटायन, और विनाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप लोगों को पता है सबसे कम होती है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना दुनिया का सबसे अनस्टेबल कंपाउंड या कार्बोकैटायन माना जाता है। क्लियर है आप लोगों को? ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है एक तरफ तो कार्बन बोल रहा है मैं डबल बॉन्डेड हूं, दूसरी तरफ वो बात ये भी बोल रहा है कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ज्यादा क्यों बोल रहा है? क्योंकि डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसी बात, एक साथ ऐसे दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, तो ये अनस्टेबल कंपाउंड माना जाता है। तो ये चार चीजें मैंने आप लोगों को बताई, एक डबल बॉन्ड वाला, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन वाला, तीसरा पोलैरिटी वाला, और चौथा विनाइल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन वाला। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये, या बेंजाइल कार्बोकैटायन भी बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, बेंजाइल। समझ में आ गया आप लोगों को? बेंजाइल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बेंजाइल नहीं बोलेंगे शायद इसको, चलो जो भी है, ठीक है, समझ में आई आप लोगों को बात? क्लियर है यहां तक की बातें? तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि हेलो एरिंस जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं किससे, हेलो एल्केन्स। तो ये बात हुई सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरिंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरिंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरिंस। क्लियर आप लोगों को? तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं, जब हम लोग एल्काइल हैलाइड में एक्वस KOH और NaOH को डालते थे तो वहां पर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता था और प्रोडक्ट बनता था ROH। क्लियर है? अभी आप लोगों ने देखा कि यहां से क्लोरीन को निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो इस वजह से क्लोरोबेंजीन को बाहर निकालना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल काम होगा। तो इस वजह से अगर आप लोग इसमें एक्वस KOH और NaOH डालते हो तो ये फिनोल में कन्वर्ट नहीं होता है।
क्लियर है आप लोगों को, ये इस तरह की रिएक्शन शो नहीं करता है, बट इन द ड्रास्टिक कंडीशन मतलब आप लोग इसके ऊपर अच्छी खासी कंडीशन अप्लाई करते हो तो बेटा क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन टेंपरेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH तो इट विल कन्वर्ट इनटू द फिनोल, इन कंडीशंस के अंदर ये फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इसी को बेटा हम लोग डाउज प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाउज प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? डाउज प्रोसेस। क्लियर है, यहां तक की बातें सभी को समझ में आई। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं कि आप लोग देख रहे हो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनके अंदर हो नहीं पा रही है हैलोजन्स के अंदर, तो क्या करें हम लोग? जरा एक बार दूसरा एक तरीका और देखिए, ये क्लोरोबेंजीन है, ऊपर लोन पेयर है, रेजोनेंस होगा, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो रिंग को क्या कर रहे बेटा? एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा तो चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स आर द न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज, लेकिन रिंग के अंदर तो यहाँ पर क्या भरी पड़ी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई तो ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल को आप अटैक करना चाहते हो तो हम लोगों को यहाँ पर क्या लगाने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो मैं पूछ लूँ आप लोगों से, तो बताओ क्लोरोबेंजीन अगर NO2 लगा दूंगा तो अब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर इजीली अटैक कर पाएगा? अगर मैं 2 नाइट्रो लगा देता हूं इसके साथ तो सर न्यूक्लियोफाइल और जल्दी इसके ऊपर अटैक कर पाएगा, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए। और अगर मैं क्लोरोबेंजीन के साथ 3 नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूं तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल और भी जल्दी अटैक करेगा इसके ऊपर। बोलो बेटा करेगा या नहीं करेगा? तो करेगा, तो बताओ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH क्या बनेगा? सर ये बनेगा। अरे समझ में आया? और इसके प्रेजेंस में क्या बनेगा? 2,4-dinitrophenol। अरे बोलो, और इसमें क्या बनेगा? 2,4,6-trinitrophenol। 2,4,6-trinitrophenol। और इसका दूसरा नाम है बेटा पीक्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार पूछ लेते हैं, राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ पीक्रिक एसिड। तो आप लोगों को पता होना चाहिए पीक्रिक एसिड की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे। क्लियर है? अब बात यहाँ पर एक और आती है, और बात क्या आती है कि अगर मैंने यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा जितने भी नाइट्रो ग्रुप्स लगाए हैं वो सारे के सारे नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर लगाए हैं। क्लियर है? तो मतलब अगर क्लोरोबेंजीन के ऊपर आप लोग ऑर्थो पे लगाते हो सर करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर पैरा पे लगाते हो तो सर करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन अगर आपने मेटा के ऊपर लगा दिया तो सर यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। रीजन क्या है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक तब करेगा जब इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, लेकिन नाइट्रो तो जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करता ही नहीं है। विड्रॉ क्यों नहीं करता है? क्योंकि सर मेटा पोजीशन के ऊपर रेजोनेंस वर्क नहीं करता है, ओनली यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच तो रहा है लेकिन उतनी ताकत से या उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ नहीं खींच रहा जितना रेजोनेंस करता है। तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ही रहेगी और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इजीली अटैक नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आप लोगों से, और क्वेश्चन क्या है बताओ? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? अरे मेरे भाइयों बता दो जल्दी से किसकी होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जल्दी बता दो। बता दो सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करेगा? तो सर सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा ये, फिर कौन करेगा ये, फिर कौन करेगा ये, और मेटा वाला सबसे लेस रिएक्टिव होगा। क्लियर है? सो ये हमने आज हैलोजन्स के केस के अंदर पहली रिएक्शंस पढ़ी हैं, और सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।